गांव में खेल के मैदानों का अभाव, प्रदेश में अच्छे कोच का ना होना, हमारे उत्तर प्रदेश की खेल सुविधाओं में ऐसी तमाम कमी है, इसलिए ज्यादातर खिलाड़ी दूसरे प्रदेशों में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में भाग लेने गए प्रदेश के 10 खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपना ऐसा ही दर्द बयां किया। इसके बावजूद भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, इससे खेल के प्रति युवाओं में रुझान बढ़ा है। अब इसे देखते हुए प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए अलग अलग जनपदों में 21 मल्टीपर्पज हॉल बनाने जा रही है। इसमें 6 महीने के अंदर लखनऊ, मेरठ, सोनभद्र और अयोध्या में मल्टीपर्पज हॉल बनकर तैयार हो जाएंगे, जहां खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। मल्टीपर्पज हॉल में खिलाड़ियों को रनिंग ट्रैक के साथ दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। मल्टीपर्पज हॉल, जिसे हम अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे बिजनेस मीटिंग हो, शादी हो या फिर कोई और फंक्शन, लेकिन इस मल्टीपर्पज हॉल का पर्पज ये नहीं बल्कि एक ही जगह पर अलग अलग खेलों की प्रैक्टिस होगी, इसलिए इसे मल्टीपर्पज हॉल कहा गया है। इस मल्टीपर्पज हॉल के बनने से छोटे शहरों के होनहारों को भी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। सुविधाओं के साथ खेल के मैदान व उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं। बताते चलें, युवा कल्याण विभाग की ओर से खेलो इंडिया योजना के तहत ग्रामीण परिवेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तर की सुविधाएं दिए जाने का काम किया जा रहा है। बता दें, खेलो इंडिया योजना की शुरुआत साल 2018 में हुई थी, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच खेल की संस्कृति को बनाए रखना है। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेजों में छात्रों के हुनर को और भी तराशने के उद्देश्य से इस स्कीम की शुरुआत हुई। इस स्कीम के तहत सभी चयनित खिलाड़ियों को सालाना 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं, जिसे वो अपनी तैयारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए तैयार हो सके और अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। इस स्कीम के तहत भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 143 केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इन केंद्रों की मदद से सभी खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाएगा। हर केंद्र पर किसी एक खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी कड़ी में लखनऊ के मोहनलालगंज विकास खंड में भी मल्टीपर्पज हॉल निर्मित किया जा रहा है। इसमें खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए रनिंग ट्रैक व नेचुरल कोर्ट की सुविधा होगी। अयोध्या के मिल्कीपुर में भी मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं मेरठ के पंचाली खुद्र और सोनभद्र के नगवा में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निर्माण युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने में इन चारों मल्टीपर्पज हॉल के निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। युवाओं में स्टेट ऑफ फिटनेस बनाए रखने के लिए खेल सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। खेल इंडिया योजना के तहत गाँव में 20 ग्रामीण मिनी स्टेडियम और कन्वर्जेंस के जरिए ओपन जिम और खेल के मैदानों का विकास भी होगा। यही नहीं, युवा कल्याण विभाग की ओर से 16 सितंबर से ग्रामीण इलाकों में जोनल स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जो 30 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद अक्टूबर में राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें खिलाड़ियों के बीच एथलीट्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। किसी प्रतियोगिता में जब कोई खिलाड़ी मेडल लेकर आता है तो उसकी खूब वाहवाही होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन हमारे देश और प्रदेश में कुछ ऐसे छुपे हुए खिलाड़ी भी हैं जो खेल जगत में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, पर सपनों से बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो काम करते हैं, और अगर वो काम ना करे तो शायद उन्हें 2 जून की रोटी भी नसीब ना हो। ऐसे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर सरकार ऐसी योजनाएं चलाए जिससे इन खिलाड़ियों को मदद मिले तो शायद वाकई देश तरक्की की ओर बढ़ेगा। अभी हालिया ओलंपिक खेलों में जिस तरह से भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमखम का प्रदर्शन किया, उससे ये जाहिर होता है कि अगर इन युवा प्रतिभाओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, तो खेल परिदृश्य और भी बेहतर हो सकता है। और अब आपसे एक जरूरी बात, अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।